गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रूरल एकेडमी। और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज इसी क्रम में 2 अक्टूबर है, तो आज का करंट अफेयर्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आज आपका, हुनर से रोजगार तक योजना किसकी पहल है? पहला है पर्यटन मंत्रालय, बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, डी वाणिज्य मंत्रालय। देखिए अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय यानी कि सॉरी हाल में नहीं पर्यटन मंत्रालय ने युवाओं के लिए रोजगार योग्य कौशल निर्माण हेतु वर्ष 2009-10 में यानी वर्ष 2009-10 में हुनर से रोजगार तक यानी HSRT नामक एक विशेष पहल की शुरुआत की थी। और हुनर से रोजगार तक इस पहल में जो है इस पहल के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सामान्य विशेषताएं जो जो हैं इसमें ये है कि प्रशिक्षुओं की जो आय यानी जो ट्रेनिंग करने वाले जो युवा होते हैं उनकी आयु 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए, 18 से 28 के मध्य होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम छोटी अवधि यानी 6 से 8 सप्ताह का है, यानी इसमें जो कार्यक्रम है ट्रेनिंग वाला वो 6 से 8 सप्ताह का है कार्यक्रम, ये आप और ध्यान रखना, यानी ज़्यादा लंबा लॉन्ग टर्म के लिए कार्यक्रम नहीं है, एक शॉर्ट टर्म के लिए कार्यक्रम है। और इसमें जो यानी ट्रेनिंग लेने वाला पर्सन है प्रशिक्षु है उससे कोई भी धनराशि नहीं ली जाएगी, ठीक है, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, यहाँ पे हुनर से रोजगार तक पर्यटन मंत्रालय की योजना है जो 2009-10 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपका, पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना सॉरी NERLP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला है इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। थर्ड, इस परियोजना को मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा मणिपुर के 11 जिलों में लागू किया गया था। थर्ड, इसका उद्देश्य 4 पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं, बेरोजगारों, युवकों और वंचितों की आजीविका में सुधार लाना है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, जो पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना है इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है इस परियोजना को मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा मणिपुर के 11 जिलों में लागू किया गया था। देखिए सेकंड वाला कथन गलत है, इस परियोजना को मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम यानी मणिपुर नहीं है इसमें बल्कि सिक्किम है, ये आप ध्यान याद रखना है, यहाँ पे ये सिक्किम है, यहाँ पर मणिपुर नहीं है, सिक्किम के 11 जिलों में लागू किया गया था, ठीक है। तो सेकंड वाला कथन गलत है। देखिए थर्ड वाला कथन है कि इसका उद्देश्य 4 पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं, बेरोजगारों, बेरोजगार युवकों और वंचितों को की आजीविका में सुधार लाना है, तो थर्ड वाला कथन भी सही है यहाँ पे। देखिए इस परियोजना के में सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, साझेदारी विकास परियोजना प्रबंधन तथा आजीविका एवं मूल्य श्रृंखला विकास पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, तो यहाँ पर केवल पहला तीसरा कथन सही है, तो आंसर है बी केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बिम्सटेक, ये आप जानते होंगे बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है बिम्सटेक की। तो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पहला है इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा 2 म्यांमार और लाओस दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। सेकेंड, बिम्सटेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क स्थापित करता है बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। थर्ड है यह वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। देखिए यहाँ पर जो बिम्सटेक है एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है और जो कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं और ये जो कि क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है ये, ठीक है। देखिए इसमें पहला वाला कथन जो है यानी इसमें लिखा है इसमें इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं। देखिए इसमें 7 सदस्य हैं और 7 में से इसके 5 दक्षिण एशिया से हैं जिनमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, ठीक है, नेपाल है और श्रीलंका भी है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो दक्षिण पूर्व वाले जो हैं जो दक्षिण पूर्व से जो सदस्य हैं वो म्यांमार और लाओस नहीं है बल्कि वो दक्षिण पूर्व में यहाँ पर इसके म्यांमार और थाईलैंड है, लाओस नहीं है बल्कि इसमें थाईलैंड आ जाता है, ये आप याद रखना, थाईलैंड है ना कि लाओस है, यानी म्यांमार और थाईलैंड है दक्षिण पूर्व से, तो पहला वाला कथन तो गलत है। सेकेंड है यहाँ पर बिम्सटेक है न सिर्फ यहाँ पर बिम्सटेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है बल्कि हिमालय तथा बंगाली खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है, तो सेकंड वाला कथन भी यहाँ सही है। थर्ड वाला कथन है यहाँ पर यह वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया, देखिए थर्ड वाला कथन भी सही है।
यहां पर पूछा ये गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां पे केवल पहला वाला सही नहीं है, तो आंसर है ए। देखिए इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। तो देखिए यहां पे थर्ड का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, फिट इंडिया मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस अभियान की शुरुआत की गई। सेकंड, इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को रोजमर्रा के जीवन में फिट रहने के साधारण एवं आसान तरीके शामिल करने हेतु प्रेरित करना है। थर्ड, इस कार्यक्रम के तहत खेलों तथा नृत्य के रूप में भारत की समृद्ध स्वदेशी विरासत का प्रदर्शन किया गया तथा फिटनेस को बढ़ाने के लिए उसके महत्व पर जोर दिया गया। देखिए अभी अभी आपके बीते कुछ दिनों पहले कि प्रधानमंत्री ने जो 29 अगस्त को आपका जो खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस होता है 29 अगस्त को, तो इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लाखों लोगों की मौजूदगी में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो पहला वाला कथन तो यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, फिट इंडिया एक मजबूत और प्रगतिशील भारत की मांग है और यहाँ जो है सभी को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए इस अभियान के ये अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए सेकंड वाला कथन भी इस हिसाब से सही है यहाँ पे। थर्ड वाला है, इस कार्यक्रम के तहत खेलों और नृत्य के रूप में भारत की समृद्ध स्वदेशी विरासत का प्रदर्शन किया गया तथा फिटनेस को बढ़ाने पर जोर दिया गया। ठीक है, थर्ड वाला भी कथन सही है, यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, तो आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक अभी प्रश्न पूछना है आपसे, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्रीय गवर्नमेंट, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें अभी जो खेल मंत्री कौन है आपके, ठीक है, यानी केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, ये इनका नाम बताना है आपको। आज का प्रश्न आपका यही है, केंद्रीय खेल मंत्री अभी कौन है वर्तमान में, उनका नाम अभी बताना है आपको कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका, अंगीकार अभियान यानी अंगीकार कैंपेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने हाल ही में इस अभियान की शुरुआत की है। सेकेंड, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, के तहत बनाए गए घरों के लाभार्थियों के लिए जल एवं ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, सफाई एवं स्वच्छता जैसे मुद्दों पर सामुदायिक लाभबंदी और आयात निर्यात कोड यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC गतिविधियों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री, तो इन्होंने 29 अगस्त 2019 को प्रबंध परिवर्तन के लिए एक अभियान अंगीकार की शुरुआत की है। ठीक है, तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए अंगीकार अभियान को शुरू किया गया है और इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत बनाए गए घरों के लाभार्थियों के लिए जल एवं ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, सफाई एवं स्वच्छता जैसे मुद्दों पर सामुदायिक लाभबंदी और आयात निर्यात कोड यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC गतिविधियों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया गया है। तो यहाँ दोनों कथन सही है, तो आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।